काम करता हूँ, बुढ़िया घर चाय पीता हूँ, फिर जाऊंगा, ये ठीक रहेगा। अम्मा तो क्या रे? ओ सेगे, अम्मा तो क्या रे? ओ सेगे, सुबह सुबह हलक फाड़ रही है आसान। अम्मा तो क्या रही है? अम्मा कौन है तू? काम करता हूँ खुल्ला खुल्ला, नाम है मेरा खद्दू मुल्ला। इस गली से निकल कर जा रहा था, सोचा दुखियारी अम्मा के पास एक कप चाय पीता चलूं। चाय पी कर जावा सांड, चाय पी कर जावा। अस्सलाम वालेकुम दुखियारी अम्मा। वालेकुम सलाम। ठीक हो? अरे ठीक ठाक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आया क्या बात, खाली हाथ चले आ रिया। हाय मैया मेरी, मैं बड़ी खुश नसीब, मेरे घर में 3 दिन से राशन भी नहीं था, कोई मेहमान भी नहीं था। हमारे बच्ची के इमाम साहब यूँ कह रहे कि घर में कोई मेहमान आता तो अपना राशन अपने साथ लेकर आता, खाने पीने का इंतजाम लेकर आता। है बेटे, है तू कुछ न लाया? मतलब? अरे मेरे लाल मतलब कुछ नहीं। अभी रुक जा, अरे बेटी रुक साना, जरा जल्दी से लेकर आना। अच्छा अम्मी, अभी ला रही हूँ। अरे ये क्या है अम्मा, 5 किलो चीनी, 1 किलो पत्ती और 10 लीटर दूध बाहर से ले आओ। समझ गया बुढ़िया, मुझको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा अम्मा अभी लाता हूँ। आज तो बहुत अच्छा मेहमान लाला, ये सामान दे दो। बेटा ये सामान पैक करो भाई के लिए। अच्छा जी। ओ भाई, पैसे? पैसे देंगी शेख चुल्ली की अम्मा। शेख चुल्ली की अम्मा कौन? अरे वो ही अम्मा दुखियारी। अम्मा दुखियारी? अच्छा 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 अच्छा, मैं ले लूंगा ले लूंगा। अम्मी अम्मी अम्मा ले आया, बड़ी जल्दी ले आया सांड। कम बोला करो मेहमानों के सामने, चुप करा करो, बहुत बोलो तुम। ओबे मरवा दिया हरामखोर, कितनी गरम चाय लेकर आई है। अच्छा अम्मा चलता हूँ मैं। हाय मैया मेरी, कहाँ खून निकल लिया है? ये बैठा मेरा छाली काटने का सरोता, और ये बैठी नहीं लुखड़िया। नहीं 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 बहू, हमारे यहाँ प्रधान जी के घर मेहमान आए तो सारे के सारे बच्चों को 10-10, 50-50 रुपए दे गए, सबको पैसे बांट कर जागा। पैसे? पैसे? अरे अम्मा पैसे तो मैं लाया ही नहीं है। पैसे? पैसे नहीं लाया? अरे तो मेरे बाप भैया के चौदह ये सामान कहाँ से लाया है? पैसे तो देने ही पड़ेंगे सांड, अम्मी सही कह रही है, चाय तो ठूस ली है, पैसे दे कर जा। बुढ़िया ये सारा सामान तो मैं तेरे नाम पे उधार लाया हूँ। हाय भैया मेरी, कहाँ पड़ जाऊँ जाकर, बड़ा ही दर्द हो रहा। अरे रुक साना, फट जाना, कहाँ मर गई? अम्मी 24 घंटे भागने पे ही रहते हैं, कुछ और काम है ना तुझे? हाँ तुझे बहुत काम है, गलिया दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर घर में ही घुसा रहता है, कहाँ से मेरी काम है? हाय कहाँ मर जाऊँ जाकर, अरे कहाँ मर गई? हामी हामी हम बक्ता, तुम्हें पता नहीं है, जरा सी फिक्र नहीं है, जरा अपनी अपनी टांग दबाओ आके। अम्मी टांगे तो सीधी कर लो। अरे रुक जा ओ ले ले हम बहुत मारी। अरे बेटे शेख चुल्ली, अरे छोटा शेख चुल्ली कहाँ मर गया जाके?
अरे ला एक गिलास में पानी नहीं है बेटे। अम्मी तुम्हारा पिछवाड़ा इतना बड़ा कैसे हुआ, हमें तो कभी बताया ही नहीं। तेरे अब्बा की निशानी है, इतने मोटे मोटे लग रहे, इतने मोटे मोटे सेब संतरे अनार जमी तो हुआ है इतना मोटा। और तेरा अब्बा ने बड़ी मेहनत करी मेरी बेटी इस पिछवाड़े के लिए बनी है। अच्छा अम्मी ये राज है तुम्हारे पिछवाड़े का। अम्मी अरे ले आया बेटे सेब के लिए। अब बेटे जिस दिन ऐसा तेरा अबू मरे हैं ये समझ रहे ना होगी फुकनी वाला कोई फुकनी। और सेब चुल्ली के राज में तो ये समझ रहे बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान। चुप जा अम्मी, आयन कुबरा कह रही है वापस धर्म कर लो। रुखसाना बाजी दो दिन के लिए मैं अपनी मैके जा रही हूँ, मेरी वाली टांग तुम दबा देना। ठीक है फट जाना, मैं दबा दूंगी। फट जाना अकेली चली आगी साली बकल तार दुआ वो बंदा बागे ना साली 6 दिन मार मां मम्मी लेकर आ गई। मेरो अम्मी ने मेरे सामने दुहात पना किया है, मुझे तो ऐसा दे दिया ना ये काम का ना धाम का ना ये कुछ कर सकता। पापा मर जाना पापा जत से समर रही है साली पेट में इतनी लंबी है देती यहां पर है। मुझसे ज्यादा जमा लड़ने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं अपनी मैके चली जाऊंगी। ओबे पापा मर जाना मैके की धमकी दे रही है साली। पापा ने वहां तक 6 दिन मारा मैं 8 दिन मारूंगा लगातार। अरे इधर हूँ इधर हूँ इधर हूँ इधर हूँ हराम ज्यादा इधर हूँ। अम्मी अम्मी चट देना मार दे अम्मी के, अभी तेरा देख रही सो रहा मैं, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, जा अपनी बहू को भेज दे कोई टांग दबा देगी मेरी। ठीक अम्मी दिन भर कोई काम ना काज का। अम्मी नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। तो क्या कर रही है? दिखना रही है रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बाद में बना ली तू, ठीक है पहले अम्मी की टांगे दबा दे। तुम्हारे लिए रोटी बनाओ तो तुम्हारी अम्मी की टांगे दबाऊं, जिंदगी टांगों की तो वैसे फुकनी बना के चले गए अब्बू। बड़ा दर्द हो रहा है अम्मी की टांगों में, जिंदगी खराब कर दी अब्बू ने भी। आजा आजा सवेरा आजा आ गई दबा दे। अरे इसे भी दबा दे फट जाना की रह गई, इसे ही दबा दी रहती मेरी सोगी। हाय हाय बड़ा मजा आ रहा है। अरे बहू हो तो तेरे जैसी हो, फट जाना तुझे दबानी ना आती। अरे ये वाली भी दबा दे फट जाना वाली। आय बुढ़िया अपनी टांग दबाऊं या फट जाना की टांग दबाऊं या शेख जी के घर का काम करूं? एक काम करती हूँ फट जाना की टांग ही तोड़ दे। ओह भैया मेरी, अरे मेरी टांग किसने तोड़ दी? हाय रे कैसे चलूंगी। अरे से चिल्ली के अबू मुझे पता होता तो ऐसा दिन देखने ना मिलता। हाय भी ले जाते सांग। अरे रुखसाना तुझे क्या मिल गया मेरी टांग तोड़ के? Hi!
अम्मी मैंने तुम्हारी टांग नहीं तोड़ी, मैंने तो फरजाना की टांग तोड़ी है। अरे ये फरजाना की टांग थोड़ा ही थी, अरे ये टांग तो मेरी थी, अरे तुम्हें दबाना ही तो दे दी थी, ये फरजाना की है, ये रुखसाना की है। आए। हाँ अम्मी मैं तो फरजाना की टांग समझ रही थी, मुझसे क्या हो गया, अभी सेठ जी को बुला के लाती हूँ। ओ बे सुबह से खाई ना रही है कुछ भी, आखिरी बार बोल लिया खा ले, नहीं तो खा ले मैं खा लूंगा, समझ रही है। सेकी सेकी फरजाना की अम्मी की टांग टूट गई, अम्मी की टांग टूट गई। रुखसाना बाजी, रुखसाना बाजी, अम्मी 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 कैसा हो गया ये सब, अम्मी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हकीम जी को फोन करता हूँ। हकीम जी मेरी अम्मी की टांग तोड़ दी, रुखसाना ने जल्दी आ जाओ, अभी आ जाओ हकीम जी। शेख जी इनकी तो पूरी टांग टूट गई, इन्हें तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पास वाले गांव में बिरयानी बट रही है, लूटना कर लूट लो।